असलमकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज हमारा लेसन नंबर सेवन है जिसमें बायोलॉजिकल डिफ्रेंसेस जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो जेंडर ईशूज़ इन साइकोलॉजी में ये जो है ना इसमें आप हम लोग जो क्रोमोसोम्स में अगर कोई क्रोमोसोम्स में कोई मसला हो जाए तो कैसे वो वो मसले होते हैं तो फिर कैसे आगे वो इंसान बनता है तो ये पढ़ेंगे इसमें डेफिनेशन है मेन मेन हॉर्मोन्स एंड क्रोमोसोम्स आर द हॉर्मोन्स और जो क्रोमोसोम्स हैं वो बेसिक है कि मैस्कुलिनिटी और फेम फेमिनिटी बनाने के लिए किसी भी इंसान को मैस्कुलिन या फेमिनिन बनाने के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं और कैरियर्स हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि है हम लोग अपने पेरेंट्स से हेयर कलर है, जीन्स में लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं जीन्स में जो वो हमारी आदात होती हैं अगर कोई इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं तो वो ले लेते हैं और जो ये हार्मोन्स एंड क्रोमोसोम्स हैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल अदा करती हैं ह्यूमन बिहेवियर के लिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या है इसमें एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन है इज़ ए नेटवर्क ऑफ दैट प्रोड्यूस इन सिक्रीट केमिकल मैसेजर्स जो कि हार्मोन्स हैं डायरेक्टली इंटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सिस्टम है ग्लैंड का नेटवर्क है जो कि केमिकल मैसेजर्स जो कि प्रोड्यूस करता है और ब्लड स्ट्रीम्स में हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में डायरेक्टली जो मेन एक्टिविटी है वो हाइपोथेलमस जो कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है वो कंट्रोल करता है हारमोन एंड क्रोमोसोन्स एंडोग्राइम सिस्टम फिर से वही डेफिनेशन आ रही है कि एक नेटवर्क है ग्लैंड का नेटवर्क है जो कि प्रोड्यूस और सिक्रिएट करता है केमिकल मैसेजेस जो कि हारमोन्स कहलाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रोड्यूस करता है ये ग्लैंड जो है हाइपोथेलमस कंट्रोल करता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, है हमारे ब्रेन का फिर ग्लैंड जिनको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं स्टिमुलेट एंड इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्राम अदर ग्लैंड जो कि स्टिमुलेट करता है या हमारे हार्मोन्स की जो है ना सिक्रीशन को सेक्स एंड रिप्रोडक्शन हारमोन आर कॉल्ड स्टीरॉयड हारमोन कितको कहते हैं सेक्स एंड रिप्रोडक्शन हारमोन को स्टीरॉड हारमोोन्स कहते हैं और गोनाड्स किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन जो के होते हैं ओवरीज इन फीमेल्स जो कि होती हैं टेस्टीज इन मेल्स इनको कहते हैं गोनाड्स सेक्शुअल सेक्शुअल डिफरेंस डिफरेंशिएशन एंड रोल ऑफ क्रोमोसोम सेक्शुअल डायमोफोरिज्म क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेक्सेस होती हैं मेल या फीमेल जिनमें उनके डिफरेंसेस होते हैं जो कि जेनेटिक्स होते हैं गनाज हार्मोन्स इंटरनल जेनिटेलिया और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो टू डिफरेंसेस होते हैं एग्जिस्टेंस होती है जैसे मेल और फीमेल का पता चलता है उसको कहते हैं सेक्चुअल डायमोफो दाए, दाएमो, सॉरीमोरफिजम डायमोरफिज्म ठीक है और सेक्सुअल डिफरेंस का जो है ना प्रोसेस शुरू कब होता है जब कंसेप्शन होती है क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स एक, एक और डेफिनेशन आ रही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हेरिडिटी मटीरियल जो कि के हमारे कैरी करते हैं और जो कि सेक्सुअल डिफ्रेंसीशन में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इसी से पता चलता है कि आया लड़का पैदा होगा कल लड़की पैदा होगी ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोन्स होते हैं जो ट्वेंटी थर्ड पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं फीमेल में वो डबल की से होते हैं। और जेन, genes on के क्या होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन की हेयर कलर कैसा होगा आई कलर कैसा होगा स्किन कलर कैसा होगा ये सब कुछ जो है वो क्रोमोसोन्स पे जे, जेन, 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 जेनेटिको इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है आगे सेक्स क्रोमोसोनल एबनॉर्मेलिटीज़ अब, जो कि स्ट्रक्चरल सडन चेंजेस आती हैं जीन्स में उनको म्यूटेशनस कहते हैं ये जो है ना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव जो है ना वो एक जब इंसान बड़ा हो रहा था तो उसके ऊपर नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेज वो डाल देता है डी म्यूटेशन जो होती हैं कभी कभार ये डिलीटेड हो जाते हैं कभी कभार ये डुप्लीकेट हो जाते हैं और वो फिर जब फिर ये एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करती हैं किसी भी इंडिविजुअल में और रिसर्चर्स ने ये ये फाउंड आउट किया कि जो रिसर्च जो, जो सेक्स क्रोमोसोन्स हैं वो जेंडर रोल डेवलपमेंट इंटेलिजेंस ग्रोथ और हॉमोहन प्रोडक्शन में जो है प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं फीमेल सेक्स क्रोमोसोन की अब नॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो दो हैं एक टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम है एक मेटा फीमेल जो या उसको ट्रिपल एक्स फीमेल कहते हैं टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है वैसे फीमेल एक्स वाई की बनी होती है लेकिन इसमें एक्स ओ एक्स ओ आ जाता है इसमें सिर्फ जो फीमेल है वो एक्स क्रोमोसोम लेती है और जो तो उनका स्ट्र... फिर जो क्रोमोसोनल स्ट्रक्चर होता है वो एक्स ओ बन जाता है अब नॉर्मल ग्रोथ पैटर्नस होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो छोटी होती है जो इनकी नेक होती है वो ऐसे होती है जैसे कि वेब जैसे कि जो नेक के ऊपर है ना वो मतलब नेक और जो फेस है ना वो जुड़ा हुआ होता है ऐसे लगता है एक्स्ट्रा फोल्ड्स आ जाते हैं स्किन में इसमें जो जॉ लाउन जॉ जौ, लाइन होती है वो छोटी होती है और प्रमानेंट जो कि इनके अंदर जो है ना रिप्रोडक्शन एबिलिटी होती है वो कम पाई जाती है और ये मैंने एक स्लाइड यहाँ पर तैयार की थी ये दिखाने के लिए ये देखें इनकी जो ये नेक है ना वो इस मतलब साथ ही जुड़ी होती है और इनके ईयर्स भी थोड़े से नीचे को होते हैं लो होते हैं इनके ईयर्स भी और इनके पफ जब एट द टाइम ऑफ बर्थ इनके जो हैंड्स और फीट होते हैं ना वो पफ होते हैं और जो ब्रेन जो सॉरी जो हार्ट है उसमें भी मसले होते हैं इनके फिर ये ईयर का था कि ईयर में भी मसले होते हैं और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मसले होते हैं पीछे जो बैक पे हेयर को देखें तो लो हेयर लाइन होती है लो सेट ऑफ ईयर्स होते हैं पफी और स्वॉलिन एट बर्थ हैंड्स एंड फीट होते हैं इनके जो नेल्स होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो मुड़ भी जाते हैं और इनका इनका कद छोटा होता है आगे मेटा फीमेल्स क्या होती हैं इनमें ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वैसे फीमेल जो नॉर्मल फीमेल होती है उसमें एक्स वाई होता है लेकिन जो मेटा फीमेल्स होती हैं उसमें ट्रिपल एक्स हो जाता है और वो ज़्यादा टॉलर होती हैं देन एवरेज और इनको सुपर फीमेल्स कहा जाता है ये फर्टाइल होती हैं नॉर्मल डेवलपमेंट होती है इनकी सेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स की इनके जो है ना लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है लो रेंज ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस ठीक है कम रेंज होती है इंटेलिजेंस की इमोशनली इम होती हैं ये ओके okay, अच्छा हम फिर अब इधर आ जाते हैं दोबारा इसका तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है और फिर हम लोग इसमें आते हैं टर्नर सिंड्रोम में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी थेरेपी कैन रिजल्ट इन सम ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड मेंस्ट्रुएशन क्योंकि इनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती फीमेल की प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर जो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है तो फिर इनसे जो है ना आ सकता है कि मतलब मेंस्ट्रुएशन uh, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और इनके अंदर थायरॉयड डिजीज़ेस भी ज़्यादा इनकी एवरेज होती है मेंटल थोड़े थोड़े जो है ना मेंटली जो है ना थोड़ा सा ख़राब होता है मैंटल रिटार्डेशन होती है और जब इंसिजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है तो फिर थोड़ा सा टर्नर सिंड्रोम जो है ना नॉर्मल हो जाता है मेटा फीमेल्स और ट्रिपल एक्स फीमेल्स कौन सी होती हैं जिनके अंदर जो कि ज़्यादा और सुपर फीमेल्स कहा जाता है ज़्यादा लंबी होती हैं इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम होता है फर्टाइल होती हैं इमोशनली मेच्योर होती हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज आगे मेल सेक्स क्रोमोसोन्बिल एबनॉर्मलिटीज़ है, आती हैं जिस जो कि ये डबल एक्स वाई जो है ना मेल का क्या है एक्स वाई लेकिन सॉरी ऊपर मैंने आपको बताती गई एक्स वाई फीमेल का बता रही थी फीमेल डबल एक्स है सॉरी और जो मेल है वो एक्स वाई है तो मेल का डिफरेंट है एक्स वाई फीमेल का सेम है डबल एक्स लेकिन जब अब मेल सेक्स और क्रोमोसोन uh, नॉर्मलिटीज़ में क्या होता है डबल एक्स और वाई बन जाता है एक उनके पास क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा जो है ना वो एक्स आ जाता है और इसमें जब एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है तो उनके अंदर फीमेल थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं और उनकी बॉडी की जो शेप होती है फ़ीमेल की तरह होने लग जाती है फेशियल हेयर बॉडी हेयर उनके कम होते हैं और उनके जो ग्लैंड्स होते हैं टेस्टीज वगैरह वो स्मॉल होते हैं कम अमाउंट होती है उनकी टेस्टरॉन की तो जो ये इसको कहते हैं क्लिनि क्लाइनी फेल्टर सिंड्रोम और ये जो आदमी होते हैं Uh, ये थोड़े से ना लंबे होते हैं मैन आर एन इंच सो अब एवरेज हाइट मतलब इनकी एवरेज हाइट होती है ज़्यादा लंबे नहीं होते ये ज़्यादातर इनका पेट निकला होता है ओवर वेट होते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं इनमें uh, ज़्यादातर लैंग्वेज में और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती हैं पुअर स्कूल ग्रेड्स होते हैं फर्टाइल नहीं होते मेंटली रिटार्डेड हो रिटार्डर होते हैं तो मैंने इसकी भी स्लाइड तैयार की थी ये yeah. है एवरे टॉलर होते हैं एवरेज फिर इनकी जो लेग्स हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं फीमेल बॉडी की तरह इनकी जो है ना फीमेल स्ट्रक्चर होता है ये नॉर्मल मैन है और ये जो है जो, जो सिंड्रोम से गुजर रहा है क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम से जिसमें जो है डब, डबल एक्स वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो इनके इनके अंदर एक गाइ गाइनिकोमेस्टिया जो एक सिंड्रोम है वो थोड़ा जब बड़े होते हैं तो फिर वो आने लग जाते हैं जो कि एनलार्ज ब्रेस्ट टिश्यू की वजह से होता है इनके फेस पे बियर्ड वगैरह नहीं आती ये है आतीनेस एपेंट ग्रो फीवर चेस्ट हेयर्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल टाइप uh, स्मॉल टेस्टिकल साइज लॉन्ग लेग्स वाइड हिप्स नैरो शोल्डर्स नैरोड ग्रोथ आगे आ रहा है सुपर मिल्स जिसको हम लोग एक्स डबल वाई सिंड्रोम भी कहते हैं इसमें जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा टॉलर होते हैं वॉयलेंट होते हैं ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं इनको एक्निक ज़्यादा होते हैं लेकिन इसमें जो आदमी हैं वो पतले होते हैं पिछले जो है क्लाइनीफिल्टर जो है क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम में मोटे थे उनके टूट निकली होती थी इसमें पतले होते हैं एंटी सोशल भी होते हैं और इनकी एवरेज इंटेलिजेंस ना कम होती है छः फीट से भी ज़्यादा जो है ना लंबे होते हैं सेक्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्स एंड वाई क्रोमोसोस डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड बींग मेल और फीमेल एक्स और वाई से ही पता चलता है कि क्या वो मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा वुल्फियन सिस्टम में क्या हुआ है ये इन्होंने मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक कैपेसिटी है जिससे मेल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो डेवलप होता है मलेरियन सिस्टम क्या है जिससे क्या नाम है फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलप करने की कैपेसिटी होती है एक सिस्टम होता है सेक्स डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर बोथ सेक्सेस जो से जो पहले छः महीने छः वीक्स होते हैं सॉरी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें ही पता चलता है कि क्या होगा जब प्रीनेटल डेवलपमेंट के लिए और बोध सिस्टम बोथ सेक्सिस एक्सटर्नल सेक्स हॉर्मन की डेवलपमेंट कब होती है सिक्स वीक्स ऑफ कंसेप्शन के बाद होती है um, लेकिन ये जो है ना फिर भी डिफ्रेंशियट नहीं कर सकते एट दिस स्टेज फर्दर एक्सटर्नल सेक्स डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द अाउंड ऑफ अब जो हार्मोन्स पर डेवलप करता है अगर हार्मोन्स एंड्रोजन या ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मेल होगा कि फीमेल होगा एंड्रोजनस जो होते हैं वो मेल्स में होते हैं ईस्ट्रोजन जो होते हैं वो फीमेल्स में होते हैं एंड्रोजन टेस्टीरोन इज एंड्रोजन एंड एस्ट्री एस्ट्राडियोल इज कॉमन ईस्ट्रोजन आगे है प्रो प्रोग्रेस्ट्रियन इजर अनदर गोनाइल हार्मोन दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनें प्रेगनेंसी जो pro, प्रोगस्टिरोन ये जो है ना छोटे छोटे एमसी यूज हैं जो कि बड़े इम्पोर्टेंट है प्रोग जो है वो प्रेगनेंसी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जो कि एंड्रोजोन के एंड्रोजोन हार्मोन की प्रोडक्शन है वो वाई क्रोमोसोन्स जो होता है मेल्स में उससे बनती है जिससे सेक्चुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टिमुलेट होता है आ, जो प्रोडक्शन ऑफ टेस्टेर है एंड्रोजन है वो स्टिमुलेट वुल्फिन सिस्टम करता है और ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ये वुल्फिन सिस्टम जो कि मेल की इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक बनाने के लिए हेल्प करता है और जो कि मोलेर है इसमें तरीके की कैपैसिटी होती है कि फीमेल की इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए द इन फीमेल एक्स क्रोमोसोन रिमिलेट ये अच्छा ये तो ऊपर लिया ऊपर अच्छा जो फीमेल का फीटस है वो एज एक्स होगा क्रोमोसोन तो वो ईस्ट्रोजन बनाएगा जो कि फर्दर फिर मोलेर सिस्टम को डेवलप करेगा और फिर वुलफियन सिस्टम को ख़त्म कर देगा जो कि फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में अहम करदारदा करेगा जो कि शुरू के स्टेजेस होते हैं जब कंसीव किया होता है एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेक्स के डेवलप करने के लिए जो कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड में गोनाल्ड हारमो हॉर्मोन् जो है आ, लो क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो ये इंक्रीज क्वांटिटी में हार्मोन्स जो ना इंक्रीज इसक्रीशन इसकी इंक्रीज कर देते हैं और सेक्चुअल मेचोरिटी डेवलप हो जाती है ग्रोथ uh, हॉमोन जो हैं वो पेचोरिटी ग्लैंड रिलीज़ करता है इन एडोलसन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मस्कुलर और बोन्स डेवलपमेंट जो कि मस्कुलर और बोन डेवलपमेंट में ए, रोल अदा करती है जब बच्चा छोटा होता है पेच्योचरी ग्लैंड ऑल्सो रिलीज ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन जो कि एफ एस एच भी कहते हैं पेच्योरटरी ग्लैंड एफ एस एच हारमोन भी रिलीज़ करता है और लुटेनाइजिंग हारमोन जो कि एल एच से जुनेट होता है जो कि एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में रोल अदा करता है मेल्स uh, में जो है जो कि टेस्टर है वो टेस्टीज रिलीज रिलीज बाय टेस्टीज एंड दैट आर एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिससे मैच्योर होते हैं सेक्स ऑर्गन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन फीमेल में कौन सा हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ए, रोल अदा करता है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल इन मेनार्ज बिगनिंग ऑफ मैंसूरेशन जिससे मैंस्योरेशन होती है ओविलेशन होती है प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन फिर फीमेल्स में रिलीज होता है जो कि मैं साइकिल को कंट्रोल करता है और uh, बड़ा uh, इसका भी रोल होता है प्रेगनेंसी में हार्मोनल इन्फ्लुस इन बोथ सेक्सेस एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो वाइटल रोल अदा करते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि हार्मोन्स कहलाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड आगे है स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं जो कि सेक्स डिफरेंसेस और रिप्रोडक्शन को डिफर uh, करता है जो कि uh, उसको कहते हैं स्टेरॉइड क्या ग जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ग्लैंड होते हैं टेस्टीज होते हैं ये वो ऊपर सारा जो पड़ है वो दोबारा पर नीचे आ रहा है ओवरीज इन मे फीमेल्स एंड टेस्टीज इन मेल्स जो कि उनको गुना कहते हैं जो हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है वो और पचोरजी ग्लैंड होते हैं मेन ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पिचोरजी ग्लैंड भी एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है जो कि रेगुलेट uh, जो कि सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस क्या है रिलीजिंग हारमोन कॉज इज द रिलीजिंग हारमोन करता है प्रोड्यूस pr करता है कॉज इज द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हारमोन गोनाडोट्रोफिन क्या है रिलीजिंग हारमोन इज वन ऑफ दीज हारमोन जो कि रिलीज करता है ये हार्मोन हाइपोटोलोमस ये गोनाड्रोफिन एक इनमें से एक हार्मोन है ये रिलीजिंग हारमोन हेज एक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन पेच्योरिटी इसका जो है बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पेचोरिटी ग्लैंड पे और इस रिजल्ट जब वो इसका इन्फ्लुएंस होता है पर तो पिचोरिची नंबर ऑफ अदर हार्मोन्स और भी ज्यादा हार्मोन्स और नंबर ऑफ अदर हार्मोन्स रिलीज करता है तो ट्रॉफिक हार्मोन्स का जो रिलीज है इस एक्शन से जो है ना वो आता है आगे गोना गोनेस क्या है और वन ऑफ दीज जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ना हारमोन्स जो है वो सर्कुलेट करता है जो कि टेस्टीज और ओवरीज पे इंपैक्ट करता है इन मेल्स जो है वो एंट्रोजन है फीमेल में एस्ट्रोजन है टेस्टरॉन इज़ एन एंट्रोजन एंड ऐस्टिओल इज अ कॉमन एस्ट्रोजन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे छोटे एमसीक्यू इनमें से आ जाएगा प्रोग्रेस्टर है गोना गोनाडल हारमोन जो कि फीमेल की प्रेगनेंसी में वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं टेस्टिडोन लेवल्स कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑन सब टेस्टीज़ फीमेल एक्सपोज टू सम कोटिटीज ऑफ एंड्रोजन आर टेंडिंग टू हैव बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक लाइक मेल जिनके अंदर फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन होता है वो उनके अंदर जो है ना मेल्स की करेक्टरिस्टिक आने का वो होता है थोड़ा सा uh, एक यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स जिन्होंने ऑब्जर्व किया फीमेल्स का प्ले बिहेवियर जब उनकी अदर जो, siblings, जो है ना सिबलिंग्स जो है ना वो फ़ीमेल है उनको ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन टॉयज डॉल्स और किचन सप्लाइज बुक्स बोर्ड गेम्स और तो फिर जो ये फीमेल थी इन्होंने मेस्कुलन टॉयज को जो प्रेफर किया जिनके अंदर जो है कौन से एंड्रोजन लेवल ज्यादा थे एंड्रोजन लेवल क्या हैं जो कि मेल्स में होते हैं ज्यादा थे जिनमें ये ज्यादा होते हैं फिर वो मेस्कुलन क्वालिटीज उनमें थोड़ी बहुत आ जाती हैं टू में स्टडी में डाबा में क्या हुआ Uh, जिन जो इंडिविजुल जिनमें ज़्यादा हाई टेस्टोर है उनके अंदर लोअर स्टेटस प्रोफेशन हैं हाई टेस्टोर लेवल्स आर रिलेटेड टू इम्पल्सिव एंड एंटी सोशल बिहेवियर जिनके अंदर ज़्यादा ज़्यादा ये टेस्टरॉन लेवल्स हैं वो एंटी सोशल बिहेवियर जैसे कि हमने डबल आ, एक्स डबल वाई में ऊपर एक जो सिंड्रोम था जो मेल्स में था वो पढ़ा था ज़्यादा वॉइलेंट हो जाते हैं और ज़्यादा वो एंटी सोशल हो जाते हैं तो फिर जिनमें ये ज़्यादा टेस्टोरोन लेवल पाए जाते हैं फिर वो एंड वॉयलेंट वो वोलें, हो जाते हैं एंटी सोशल हो जाते हैं फीमेल एक स्टडी में फीमेल के सॉरी मेल प्रिज़नर्स को देखा जिसमें उनमें हाई टेस्टोरोन लेवल थे उनके अंदर वायलेंट वो ज़्यादा होते उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर्स भी ज़्यादा थे और वो आगे है द हार्मोनल साइकिल तो ये हार्मोनल साइकिल देखते हैं ये हाइपोथैलेमस है में से, जो कि फिर हम लोगों को ब्लड स्ट्रीम में क्या रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन करता है रिलीज फिर ये जो कि पिच ग्लैंड को इम्पैक्ट करता है फिर जो कि हार्मोन रिलीज ट्रॉपिक हॉर्मोन्स गोनाडोट्रोफिन फिर जो है बनाता है ओवरीज एंड टेस्टीज जो कि गोनाड्रोप्टोट्रोफिन का बड़ा इम्पैक्ट होता है ये बनाने में और फिर वो गोनाडो गोनाडल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो ये था आज का लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़